इस वीडियो में आप लोगों को मैं PHP से सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने के लिए बताता हूँ। ये लाइव प्रोजेक्ट होगा जो कि एक पूरा PHP से तैयार होगा। PHP से तैयार करके हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, ये एक प्रोजेक्ट सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए होगा, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट हम लोग बनाएंगे और सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करेंगे। जो टेक्नोलॉजी होगी इसमें वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले मैं HTML इस्तेमाल करूँगा, CSS थोड़ा इस्तेमाल करूँगा, CSS का जो फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप होता है उसका मैं पूरा इस्तेमाल करूँगा, और इस तरीके से मैं PHP 5.6 या फिर मैं 7.2 कह लो मैं इस्तेमाल करूँगा। और फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं MySQL डेटाबेस का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये डेटाबेस है MySQL। जो लोग ये सब नहीं जानते उनको पहले ये पढ़ना पड़ेगा, तभी ये प्रोजेक्ट समझ में उनको आएगा। तो PHP का जो सॉरी PHP में जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बूटस्ट्रैप हम लोग एक CSS फ्रेमवर्क से जानते हैं, फ्रेमवर्क है जिसको डेवलप्ड बाय ट्यूटर कंपनी ने बनाया है, ट्यूटर वही जो सोशल मीडिया कंपनी है, और CSS HTML दो फ्रेमवर्क। तो ये सब इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे एक पूरा सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट जो कि PHP से तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए एक वेब सर्वर, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे XAMPP का, ठीक है। XAMPP एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको अपाचे वेब सर्वर मिल जाता है जो PHP को रन करता है। तो चलिए पूरी डिटेल में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने XAMPP को ओपन करेंगे। XAMPP मेरा इंस्टॉल्ड है, ये रहा, और इसको मैं ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना, मैं बता देता हूँ, ये XAMPP डाउनलोड करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे XAMPP को शुरू किया, तो XAMPP का ये कंट्रोल पैनल है जो मेरे सामने आ गया है। इसमें अपाचे वेब सर्वर जिसको स्टार्ट करना होगा, और डेटाबेस के लिए MySQL चाहिए तो MySQL को स्टार्ट करना होगा। तो ये दोनों ही मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ से एक्सप्लोर करना होगा इसके फाइल को, जो कि STDOC फाइल है, और देखिए ये सी ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर बना देता है जिसमें STDOC नाम का एक फोल्डर होगा। मैं उसमें जाकर फेसबुक तो नहीं, मैं इसका नाम CWS बुक नाम से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। CWS कोड भी सादिक मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है, जहाँ मैं इस तरह के टेक्नोलॉजीज को ट्रेनिंग देता हूँ। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के बारे में मैं वहाँ बताता हूँ। ये कोचिंग सेंटर अभी पूर्णिया बिहार में लोकेटेड है। आप लोग अगर चाहें तो codewithsadik.com में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं डिटेल में। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं स्टूडेंट से, और मैंने 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक मैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया है, और उनमें से 200 प्लस के पास जॉब है, और वो सब अपने कामों में, कंपनियों में, अलग अलग पोस्ट में जॉब करते हैं। तो मैं उसके डिटेल में बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। CWS बुक नाम का एक मेरा फोल्डर ले लेता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में ओपन करता हूँ। ब्रैकेट एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबी कंपनी ने तैयार किया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेटअप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर में कुछ फाइल्स डालने होंगे, जैसे कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बूटस्ट्रैप। तो मेरे को बूटस्ट्रैप चाहिए होगा, तो मैं बूटस्ट्रैप उठा लेता हूँ, यहाँ पे किसी कंप्यूटर वाले इसमें है, ये रहा बूटस्ट्रैप का फाइल। अगर बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना है तो आपको getbootstrap.com में जाना होता है, और आपको उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जाकर ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर में जो ऐड करेंगे वो किस तरह से ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐड करने के लिए हम लोग बेसिकली एक्सप्लोरर का ही इस्तेमाल करेंगे। STDOC के अंदर में जो मैंने फोल्डर बना रखा है वहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा CSS नाम से, ठीक है, और इसमें अंदर में ये पेस्ट कर दिया। देखिए जितने भी इमेजेस होंगे उसके लिए मैं इमेजेस डाल देता हूँ। JavaScript मैं यूज़ करूँगा तो उसके लिए JS का इस्तेमाल करता हूँ, और ये हो गया, इस तरीके से पूरा काम कर रहा है। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें CSS इमेज और JS फाइल के लिए मैंने तैयार किया है। अब आप इसको मेरे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में देखेंगे,
मेरा टेक्स एडिटर अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, ये लगता है क्रैश कर गया है। तो चलिए मैं दोबारा से इसको ओपन करके देखता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए मैं ओपन करके आपसे मिलता। तो देखिए मैंने फाइल को ओपन कर दिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर सबसे पहला पेज इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम से बना रहा हूँ, और ये पहला पेज है जो कि लैंडिंग पेज होगा इस वेबसाइट का। और यहाँ पर मैं कुछ अलग फोल्डर एक बना लेता हूँ ताकि मैं अपने सोर्सेज को रख पाऊँ यहाँ पे। तो मैं इंक्लूड नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। इंक्लूड नाम के फोल्डर में मुझे सारी चीज़ें डालनी है, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन या कोई कॉमन कोड जो बार बार इस्तेमाल होंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी का इस्तेमाल करके अपना काम शुरू करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी वेबसाइट पे उसका हेडर सेक्शन होता है, उसका फुटर सेक्शन होता है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से HTML का शुरुआत कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम CWS बुक रखता हूँ। मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए मैं भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। कनेक्ट टुगेदर, ये मेरा ठीक है। तो कनेक्ट टुगेदर इस तरीके से यहां पे मैं टाइटल दे दिया, ठीक है। तो कनेक्ट टुगेदर ये एक स्लैग है जिसका इस्तेमाल हमें को कर लेना है, और ठीक है। तो यहां पर मुझे बूटस्ट्रैप को लिंक करना होगा, तो बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए लिंक SREF, और उसके बाद मुझे यहाँ पे CSS फोल्डर बूटस्ट्रैप और रिलेशन स्टाइल सीट मुझे बतानी है। ये मेरा देखो CSS कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी के नीचे मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ अपना नेव बार बनाना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। नेव बार डैश एक्सपांड डैश LG नेव बार डैश डार्क BG डैश डेंजर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ डेंजर लिखा है, ये डेंजर कलर नहीं यूज़ करके मैं प्राइमरी कलर यूज़ करता हूँ। मैं जैसा फेसबुक दिखता है वैसा ही मैं कोशिश करता हूँ कि बना लूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं ए हर्फ का इस्तेमाल करूँगा, ए हर्फ, और ये रहा यहाँ पर उसका इंडेक्स का पेज ही आएगा। तो मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी लिख देना है, क्लास नेव बार डैश ब्रांड, ठीक है। और यहाँ पर मैं फेसबुक का लोगो डालूंगा, अभी फिलहाल इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो लोगो अगर आपको कुछ बोल्ड देना है तो मैं H5 का इस्तेमाल करता हूँ, आपको जैसा भी बोल्ड देना होगा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब UL जिसका क्लास होगा नेव बार डैश नेव, और इस तरफ लाने के लिए ML auto का इस्तेमाल करना है, सॉरी ML auto यहाँ पे। अब इसके अंदर LI है, LI के बाद क्लास नेव डैश आइटम, और इसके अंदर ए हर्फ। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था क्या कि LI तो मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे फॉर्म कंडक्ट कर लेना चाहिए, तो मैं फॉर्म बताता हूँ कि किस तरह से मैं सोच रहा था। तो मैं ULLI का इस्तेमाल ना करके मैं सीधा फॉर्म भी बना सकता था, तो चलो मैंने फॉर्म बना लेना जो लॉगिन के लिए काम आएगा। तो ये जो पूरा फॉर्म सेक्शन होगा वो मैं एक टेबल के रूप में ले देता हूँ, ठीक है। ML auto का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे TR TH, और लिखते हैं यूजर नेम / ईमेल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और मैं डालता हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर मुझे डाल देना है यूजर नेम / ईमेल, और यहाँ पर मुझे डालना है पासवर्ड इस तरीके से। मैं नया TR को यूज़ करता हूँ, इसमें मैं TD इस्तेमाल करता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर की मदद से इंटर योर, खाली इंटर नहीं लिखकर मैं यूजर नेम / ईमेल, ठीक है, इस तरह से मैं डाल देता हूँ। और इसका जो क्लास होगा बूटस्ट्रैप के लिए, क्लास में मैं मेंशन करता हूँ फॉर्म कंट्रोल इस तरीके से। एक और बना लेता हूँ, इसमें पासवर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू और डबल कोट छूट गया,
इनपुट टाइप को मैं पासवर्ड कर देता हूँ और ये भी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। एक और बना लेता हूँ सबमिट बटन के लिए, तो इनपुट टाइप सबमिट, प्लेस होल्डर सबमिट में नहीं होता है। क्लास जो है वो मैं यहाँ पे btn डैश, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इन्फो कलर का इस्तेमाल, और सभी मेरा साइज छोटा रहे तो इसके लिए मैं btn डैश sm का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर्म कंट्रोल को भी मैं छोटा कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे यूज करना होगा dash sm, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इसका लाइव देखते हैं किस तरह से दिखता है। तो मैं अपने क्रोम में जाता हूँ, वहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश और ये इसका नाम है CWS बुक। तो ये देखिए ये इस तरह का दिख रहा है। तो फॉर्म कंट्रोल में मैंने गलती किया, वो ये है कि फॉर्म कंट्रोल एक लिखा ही रहता है और फॉर्म कंट्रोल डैश SM उसका एक वेरिएंट है। देखिए अभी अच्छा दिख रहा है, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का दिखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर दोनों में क्लास लगा देना चाहिए। तो इस तरीके से मैं क्लास लगा देता हूँ और क्लास में लिखता हूँ स्मॉल और टेक्स्ट डैश वाइट, तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। देखा जाए, देखिए दोनों वाइट कलर का हो गया, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। और दोनों इस सेक्शन में आए तो मैं इस जगह से लेकर पूरा टेबल सेक्शन को एक कंटेनर में रख लेना, कंटेनर इस तरीके से। तो इसके बाद क्या होगा, दोनों तरफ से थोड़ा सा हमको पैडिंग मिल जाएगा जो कि काम का है, ठीक है। तो ये जो मैंने फेसबुक लिखा है अब इसमें CWS बुक कर देते हैं, क्योंकि मैं तो फेसबुक नहीं बना रहा, फेसबुक का फीचर जरूर दे रहा हूँ, नाम मेरा मैंने रखा है उसका CWS बुक। तो ये हो गया यहाँ का वर्क। इधर आप देख पा रहे हैं कि नीचे से मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऊपर से कम हो गया, तो आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं मार्जिन टॉप 2, ये आपके थोड़ा काम का हो सकता है। वाओ, ये सेंटर में भी आ गया। अब जो आपका बॉडी कलर है वो वाइट है, तो आप उसको ग्रे कलर करेंगे, लाइट ग्रे, तो BG डैश लाइट कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा लाइट कलर आया, आप इसको वो करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, आपके अकाउंट बनाने के लिए जो आपका सेक्शन होना चाहिए वो आपको डालना है। तो नेम बार का काम खत्म हो गया, तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, बाद में फिर एक्सपांड करेंगे। एक डिवीज़न कंटेनर बनाकर उसके अंदर में एक रो के अंदर में दो सेक्शन कॉल डैश LG डैश 8 और 4। 4 में मैं जब बनाऊंगा क्रिएट न्यू अकाउंट को, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक H1 का इस्तेमाल, डिस्प्ले डैश 1 और लिखता हूँ वेलकम इन नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, एंड इसका स्मॉल कर देता था कैपिटल कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा साइज में दिख रहा है, लेकिन मैं इसका साइज छोटा करूँगा। अब देखिए कैसा दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है। ऊपर से मार्जिन मुझे टॉप देना होगा, मार्जिन टॉप ये रहा। अब ये जो टेक्स्ट है मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करूँगा, सॉरी गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल करूँगा ताकि ये और अच्छा दिखे। तो गूगल फॉन्ट के लिए मेरे पास font.google.com का वेराइटी है, जो कि 2010 में लॉन्च किया था गूगल ने, ताकि फॉन्ट ओपन सोर्स तरीके से इस्तेमाल किया सके। अब मैं इसके जस्ट नीचे कुछ पैराग्राफ लिखूंगा जो बाद में मैं चेंज कर लूँगा। अभी फिलहाल ये एक पैराग्राफ होगा जो कि एक मैसेज होगा इस वेबसाइट को लेकर, और ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक सेक्शन बनाना है जो सेक्शन में अकाउंट क्रिएट करने का सिस्टम होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम बनाना है मुझे, उसमें मैं कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ, कार्ड बॉडी, फॉर्म का टैग, फॉर्म डैश ग्रुप, लेबल जिसका मार्जिन 0, पैडिंग 0, अ टेक्स्ट म्यूटेट कर देता हूँ ऑफकोर्स, तो ये लेबल काफ़ी अच्छा दिखेगा। देखिए तो ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुल नेम जो मुझे चाहिए इसमें, और इनपुट टाइप जिसका आईडी होगा नेम इस तरीके से, और ऊपर जो यहाँ पे 4 लिखा है उसमें भी नेम लिखना होगा, यानी दोनों आईडी मैच करना चाहिए। इसके बाद क्लास फॉर्म कंट्रोल, और ये देखें आप यहाँ पे कार्ड आपको नज़र आ रहा है,
काफी अट्रैक्टिव और अच्छे से दिख रहा है। तो मैं नेम को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। नेम को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे एफ नेम इसका नाम आईडी में रख लेता हूँ और लास्ट नेम के लिए एल नेम का इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए इस तरीके से इसको एल नेम में कर देता हूँ, डुप्लीकेट बनाया मैंने। इसमें अपना एक नाम होना चाहिए, एफ नेम इस तरीके से और ये वाला एल नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपके दो सेक्शन नजर आ रहे हैं। इसके बाद मुझे चाहिए ईमेल, ईमेल। अब मैं ईमेल को क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट, यहाँ पे आईडी, इनपुट टाइप, मुझे सब बहुत कुछ बदलने होंगे यहाँ पे टाइप और ये सब ईमेल, और ये रह गया लेबल, इसमें भी ईमेल। अब कोई ईमेल डालेगा तो वो ईमेल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है मुझे, तो मैं सब जगह का कॉन्टैक्ट कर देता हूँ उसको। और ये रहा इनपुट टाइप नंबर का सिस्टम, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर्म कंट्रोल और बनेंगे। मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ठीक है ऑफ बर्थ इस तरीके से, तो डेट ऑफ बर्थ ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहां पे आपको कई कॉलम नजर आ रहे हैं। मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉलम को एक साथ करना चाहता हूं, तो मुझे करना होगा क्या कि ये दोनों को एक रो में लेना होगा इस तरीके से, और इसके बाद ये दोनों में मैं सिर्फ कॉल लिख दूंगा। अब देखिए क्या होता है, देखिए 50-50 अरेंज हो गया। अब नीचे का जो सेक्शन है वो काफी जगह दे रहा है, ईमेल हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ जो मुझे नेसेसरी लग रहा है यहाँ पे, और पासवर्ड मुझे लेने हैं। पासवर्ड सबसे बेसिक डेटा इतने देने हैं। अब पासवर्ड ये डाला जाएगा, क्रिएट पासवर्ड, और ये इनपुट टाइप पासवर्ड। आईडी में भी मैं पासवर्ड ही मेंशन करता हूँ। ये यहाँ पे छूट गया था कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट की वजह से, अब ठीक है। देखिए तो ये हो गया यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे पासवर्ड, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, नहीं करना। अब इसके बाद सबमिट बटन चाहिए मुझे, जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। सबमिट, इसका आईडी कुछ भी मैं मेंशन नहीं करता यहाँ पे, बस मुझे नेम डालने होंगे। तो क्रिएट अकाउंट इस तरह से नाम देता हूँ मैं, और फॉर्म कंट्रोल की जगह पे btn btn डैश सक्सेस btn डैश ब्लॉक इस तरीके से। तो ये हो गया आपका क्रिएट करने की जगह, जहां पे आप अपना फॉर्म को साइन अप करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे टाइटल दिखे, तो ऑफ कोर्स आप अपने कार्ड में ही यहाँ पर बॉडी के जगह पे इस तरह लगा सकते हैं लीड, या फिर ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड इस तरीके से, और क्रिएट एन अकाउंट, और इसके जस्ट नीचे मैं स्मॉल टैग का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि टेक्स्ट म्यूटेड में आएगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये हेडिंग आ गया है, लेकिन हेडिंग में काफ़ी डिस्टेंस है, इसकी वजह है मार्जिन और पैडिंग को ख़त्म कर देना चाहिए, तब ये एक दूसरे से थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा। देखिए आ गया। और ये जो नीचे का सेक्शन है, जो फॉर्म का सेक्शन है, उसमें क्लास लगाकर थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए, मार्जिन टॉप 2, और कंटेनर में जो मैंने 5 डाला है उसको 3 कर देता हूँ, तो ऊपर चार्जेस हो जाएगा, ज़्यादा हो गया 3 ठीक। देखिए तो मैंने फर्स्ट पेज बूस्ट पूरे सोशल मीडिया के लिए मैंने बना दिया है। अगर आप यहाँ पे गैप और देना चाहते हैं फॉर्म कंट्रोल्स के बीच में, तो आप नेम बार में थोड़ा कर सकते हैं सर। तो इसके लिए आपको मार्जिन राइट 2 या 3 लगाना चाहिए,
मार्जिन MR2, मैं देखो क्या दिक्कत है, ये तो मार्जिन नहीं है, मुझे TD में लगाना होगा। अब देखिए आ जाए, अच्छा बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी फिलहाल बेसिक साइज डिजाइन तैयार हो गया। तो यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट अकाउंट को, और यहाँ से मैं करूँगा लॉगिन। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूरे पूरे के पूरे वर्क में मैं A to Z सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट बनाऊँगा, और इसको मैं GitHub पे भी ऐड करूँगा। तो GitHub पे कैसे ऐड करेंगे ये बाद में, फिलहाल मैं क्या करूँगा इसको किस तरीके से GitHub पे ऐड करना है ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गिट पे डेटा चला जाए, तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कि गिट को किस तरीके से आपको यूज़ करना है। गिट एक वर्जन कंट्रोलर है, जो कि आप अपना सॉफ्टवेयर में वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड को ओपन कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा लोग कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास गिट, अगर गूगल में टाइप करेंगे गिट, ये वाला वेबसाइट पर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं उसी में आपको करके दिखाता हूँ ये मैं पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से GitHub पे डाल सकता हूँ। GitHub के लिए आपके पास GitHub का अकाउंट होना चाहिए। Git आप डाउनलोड करेंगे और GitHub पे अकाउंट बनाएंगे। तो ये मेरा अकाउंट है जो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे देखें ये वाला अकाउंट को आपको ऐड करना है। तो आप इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे और Git मैं डाउनलोड किया हुआ Git बेस हेयर, तो ये कंसोल खोल देगा, जिसके बाद आप आराम से यहाँ पर, मैं अब जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में CD git init। देखिए मैं इस प्रोजेक्ट में जाता हूँ CD CWS books। देखिए मैं इस प्रोजेक्ट में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा git init, इस तरीके से git इनिशलाइज कर लिया गया है। और इसमें अब मैं देखूंगा कि किस तरीके से ऐड किया सकता है। तो git add, इस तरीके से मैं कमांड डालता हूँ। ऐड के बाद मुझे फोल्डर का नाम डालना होगा, तो दो बार स्लैश करके all लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखने होंगे अच्छा कैपिटल में हो गया, अगर मैं एक बार मेंशन करूँ तो -a। तो यहाँ पर lf will be placed by the CRN0। अब मैं यहाँ git status चेक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू फाइल है आपका सीरियल ये और ये, ठीक है, हाँ सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये git को मैं जब फोल्डर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे कमिट करना होता है। तो मैं कमिटमेंट करने के लिए git commit -m और इसके बाद मैसेज दिस इज, या फर्स्ट कमिट मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट इस तरीके से, और एंटर करता हूँ। देखिए ये कमिटमेंट हो गया है। और मुझे अगर रिस्पॉन्ट्रीज में जाने हैं, रिस्पॉन्ट्रीज में मुझे डालने हैं, तो फिर मैं रिस्पॉन्ट्रीज में डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि GitHub पे जाना होगा, और वहाँ पे मुझे एक नया प्लस पे नया रिस्पॉन्ट्रीज क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद मुझे एक रिस्पॉन्ट्री का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वही नाम रखता हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट है CWS book, ठीक है। और मैं इसको पब्लिक रखना हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स भी इसमें यहाँ से क्लोन कर सकें। तो ये देखिए अवेलेबल है, और इसको मैं बताता हूँ कौन से लैंग्वेज से मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सॉरी बस क्रिएट कर लेना है, तो ये जैसे ही बन जाएगा ये रिस्पॉन्ट्री, तो एक लिंक मिलता है मुझे जो कि मैं अपने प्रोजेक्ट को वहां पे पुट इन कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इस तरीके से कमांड लिखना पड़ेगा। तो मेरा ये लिंक है जो मैं, मुझे
यहाँ पे लाने हैं, और मैं बेस में अपने इस जगह पे मैं कमांड पे लिखूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद ये जो लिंक है उसको पेस्ट करना होगा इस तरीके से, और उसके बाद एंटर। तो ये तो ले लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉगिन है या नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पुश करके देखता हूँ। तो गिट, अब मैं पुश करूँगा यहाँ पे ताकि वो रिस्पॉन्ट्रीज में चला जाए, यू ओरिजिन अगर आप लोगों को ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा किस तरह से ये काम करता है। ये गेट हब है जिसमें मैं अपना प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ है इसमें समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 100% ये चला गया है। मैं अपने रिस्पॉन्ड्रीज को चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँ अगर क्लिक करूँ तो देखूँ क्या यहाँ पे कोई फाइल आया बना के या नहीं। काफ़ी स्लो इंटरनेट है इसकी वजह से, तो देख मैं थोड़ा वेट कर। हाँ तो आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे ये जो फाइल दिख रहा है जो मैंने वहाँ से कमांड डाला, ये वाला गिट का जो कमांड होता है पुश कमांड से ना वो रिस्पॉन्ड्री में सेव हो जाता है, और वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब जितना भी फाइल में फोल्डर में फाइल्स होंगे वो फोल्डर आराम से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इसको करूँगा यूज़ ताकि ये हमेशा के लिए सेव हो जाए, और इस लिंक पर आकर आप लोग भी अपना ये वाला प्रोजेक्ट देख सकते हैं। वो कहाँ है, sadiq-cws में जाएंगे, और मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लोन एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जिप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट का आउटपुट आया, आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट का आउटपुट है। ठीक है, तो मैं अब धीरे धीरे इसमें काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो नेम बार है ऊपर में उसको मैं इंक्लूडेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अलग पेज एक अलग फाइल जिसका नाम होगा profile.php। ठीक है, ये पेज वो पेज है जो लॉगिन होने के बाद फेसबुक का दिखता है, वो पेज मैं बनाऊँगा, तो वो profile.php होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको छोटा सा बेसिक बताता हूँ। ये जो इंडेक्स पेज है इसमें कुछ चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं, जैसे कि लिंक वगैरह, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से बॉडी से कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल में सेम डाल देता हूँ, इस तरीके से HTML का काम ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये है आपका बॉडी सेक्शन। अब मुझे बनानी है यहाँ पे एक नेम बार, और मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ nav-expand-lg, और उसके बाद यहाँ पर nav-dark। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने अभी नया फाइल बनाया, आपको ऑनलाइन जो मेरा सोर्स कोड है वो यहाँ पर इस फाइल में है। अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल ऐड हो जाए तो उसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा गिट ऐड। तो आप जैसे ऐड करोगे तो देखिए ये ऐड स्पेसिफाइड नहीं हुआ कि किसको ऐड करना, तो मैं -a यूज़ करता हूँ, इसका मतलब सभी फाइल को ऐड कर दो जो ऐड नहीं होंगे। तो मैं आपको गिट स्टेटस से बताता हूँ, स्टेटस पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि नया फाइल मैंने बना रखा है profile.php, वो बता रहा है profile.php इस जगह पे नहीं है। तो अगर आप ऊपर में दिखाना चाहते हैं तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, इसका ब्रांच है, ब्रांच के बारे में मैं गिट पे अलग से बता दूंगा। तो ये रहा आपका एडिंग का तरीका, देखिए ये यहाँ पे अभी ऐड होने लगेगा, सॉरी मैंने कमिट नहीं किया तो ये नहीं ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कमिट करने होंगे, तो कमिट करने का फायदा ये होगा, जैसे मैं लिखूंगा गिट कमिट, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा m-m यानी मैसेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट कमिट। तो अब तक आपने देखा है यहाँ पे कि कमिटमेंट के बारे में जो मैंने यहाँ लिखा वन कमिट, अभी मैं दूसरी बार कर रहा हूँ तो ये टू कमिट हो गया। आप कमिट बहुत ज़्यादा बार नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप शुरू सीख रहे हैं तो आप कई बार कर सकते हैं। तो देखिए ये कमिट हो गया, कमिट होने का मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस है मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ। कमिट की आईडी मिल गई और क्या कमिटमेंट में ऐड हुआ तो वो बता दिया, 1 file changes of 14 inserted, यानी उसमें मैंने जो लिखा है कोड वो। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस तरीके से, मैं अब पुश करता हूँ उसको,
तो मुझे लिखना होगा गिट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर, मास्टर इसका ब्रांच है, मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये अभी ऑनलाइन जाकर ऐड हो जाएगा। ऑनलाइन ऐड होने का फायदा ये हुआ कि मेरे लिए एक जो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा जो सोर्स कोड है वो एकदम से स्टोर हो गया। अगर मैं लैपटॉप से उड़ भी जाता है या डिलीट हो जाता है, कोई छोटे बच्चे के हाथ में लैपटॉप आ जाता है और उसके बाद वो डेटा को इधर उधर कर देता है, तो उससे यहाँ पे एक्चुअली देखिए मुझसे यूज़र नेम मांगने लगा। तो मेरा जो यूज़र नेम है डैश CWS, फिर मुझसे पासवर्ड मांगने लगा, तो मैं पासवर्ड दूंगा इसका। देखिए अगर सही पासवर्ड नहीं देता तो ये कमिटमेंट का काम नहीं हो पाता। तो ये पासवर्ड आईडी जो है वो मुझसे मुझे मिला है, मेरा गिट अकाउंट का डिटेल था जो मैंने वहाँ डाला है। तभी देखिए यहाँ पे profile.php आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि मेरा जो गिट हब है वो यहाँ से गिट से डेटा उठा रहा है और स्टोर करता जा रहा है। कमिटमेंट देखिए यहाँ पे दो दिखा रहा है। अगर सपोज करें कि कोई बच्चा मेरे लैपटॉप को ओपन रखा हुआ है और कोई बच्चा आया और कुछ भी उसमें लिख दिया या कह लो कुछ डिलीट कर दिया, बॉडी की जगह पे कुछ और लिखा गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब क्या हो गया, मेरा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको वापस ला सकते हो लास्ट कमिटमेंट से। तो उसके लिए आपको गिट यहाँ पे आपको चेकआउट लिखना होगा, गिट चेकआउट। तो ऐसा करने के बाद आप जो है लास्ट कोड तक पहुँच जाओगे, ठीक है। गिट चेकआउट, एक मिनट, चेकआउट ऑल, ओ सॉरी मैं चेकआउट के बारे में दिखा देता हूँ आपको। चेकआउट मास्टर अप टू डेट इन मास्टर, अच्छा मैं देखता हूँ इसमें क्या करना है। हाँ तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कुछ चेंजेस कर देना पहले, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल में यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, कुछ गलत टाइप कर देता हूँ, नेव की जगह पे कुछ भी था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बदल गया, क्या क्या चेंजेस हो गया, पूरा प्रोफाइल फाइल ही चेंज हो गया। तो आप कमांड से आप अपने लास्ट कमिटमेंट तक आ सकते हो। तो लास्ट में जो आपने कमिट किया था जो अवस्था में, वो अवस्था वापस से सेम आ सकता है। उसके लिए आपको लिखना होगा गिट चेकआउट। मैं लास्ट टाइम में जब भी मैं आपको कमांड बता रहा था उसमें माइनस एफ लगाना भूल गया था, एफ का मतलब फोर्सफुली होता है। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखिए पूरा फाइल जो पीछे चेंज हो गया, यानी फाइल वैसा हो गया जैसा लास्ट कमिटमेंट में था। तो लास्ट कमिटमेंट को आप स्विच कर सकते हो और आपका फाइल बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो ये था छोटा सा गिटहब के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो फिर मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरा काम यहाँ पर इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को बनाना है। तो यहाँ पे मैं नेव बार बना लिया, नेव बार का जो कलर है नेव बार डैश डार्क और बीजी डैश प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर कंटेनर का इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर में एहर्फ और उसके बाद नेव बार डैश ब्रांड, और इस जगह पे मुझे डालने हैं CWSBook.com। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे एक फॉर्म का सेक्शन जो कि सर्च के लिए इस्तेमाल होगा। तो फॉर्म इनलाइन इसमें लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, और फॉर्म इनलाइन के बाद मैं अंदर में इनपुट टाइप बनाऊँगा। इनपुट टाइप का क्लास होगा फॉर्म डैश कंट्रोल, फॉर्म डैश कंट्रोल, और यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च, ठीक है, और एक इनपुट टाइप सबमिट बटन। इनपुट टाइप सबमिट बटन के जो क्लास होंगे वो है BTN डैश, मैं यहाँ पे कलर देता हूँ डार्क अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं चेंज कर लूँगा, तो ये आप देख पा रहे हैं इसके साइज में इंक्रीज कर देता हूँ 70 के अप्रॉक्स कर देता हूँ। अब बीच में लाने के लिए MX Auto का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो MX Auto इस तरीके से, तो आपको इसका पेज दिखाता हूँ मैं किस तरीके का दिख रहा है। /profile.php, तो आप देखें ये इस तरह से दिख रहा है। ये तो काफ़ी छोटा सा हो गया, किस तरह क्यों हो गया ज़रा देखा जाए। ओहो 70 की जगह 7 हो गया। अब देखें ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब इस सेक्शन में मुझे कुछ लिंक्स बनाने हैं जो कि मैं URL का इस्तेमाल करूँगा, नेव बार डैश नेव ML Auto, उसके बाद LI, और यहाँ पर क्लास लगाऊँगा
नेव डैश आइटम और ए हर्फ नेव डैश लिंक। यहाँ पे मुझे देने हैं होम जो कि होम पेज पे लेते आएगा, दूसरा है प्रोफाइल जो मेरे प्रोफाइल के पेज पे ले जाएगा, और तीसरा जो है वो है लॉग आउट। ठीक है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू मुझे बनाना है। तो ये तीन लिंक बनाना दिए, तो ऊपर का नेम बार का पट्टी तैयार हो गया है। अब नीचे फेसबुक जैसा प्रोफाइलिंग करना है मुझे, तो मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पर फेसबुक जैसा प्रोफाइलिंग के लिए नेम बार के बाद यहाँ पर एक डिवीज़न तैयार करता हूँ कंटेनर, और इसके अंदर एक रो कॉल डैश एली डैश मैं यूज़ करता हूँ 3 और फिर 9 और फिर 3। तो 3 के जो सेक्शन है मैं इस तरह से इसका लेआउटिंग किया है, और यहाँ पर मुझे बना देने हैं कार्ड, कार्ड के अंदर कार्ड की बॉडी, और कार्ड के बॉडी के ऊपर जस्ट कार्ड का इमेज। कार्ड की इमेज में एक्चुअल में यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर होगा एक्चुअल में, तो मैं अभी प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको इमेज प्लेस होल्डर क्या होता है। इमेज प्लेस होल्डर जो है वो एक टेक्निक है जिसकी जगह पे इमेज नहीं देना है तो आप वहाँ पे एक प्लेस होल्डिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा http://via.placeholder.com/, देखिए इस तरीके से इसमें लिखना पड़ता है, https है और वाया और उसके बाद उसका साइज। तो मैं यहाँ पे s छोड़ दिया, और यहाँ पर मुझे जितना भी बड़ा साइज चाहिए 250 तो मैं उतना लिख दूंगा। तो मुझे वो सेक्शन में आप देखें यहाँ पे वो इमेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा उतना बड़ा साइज का, देखो मिल गया। तो ये कमाल का चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी होता है बहुत जल्दी से अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो। तो कंटेनर में मैं मार्जिन देता हूँ इस तरीके से, कंटेनर में मार्जिन दिया और ये प्रोफाइल पिक्चर का एरिया हो गया। अब मैं कार्ड बॉडी में यहाँ पर H2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें क्लास देता हूँ H5 या H4 का, और जिसमें मैं नाम डेमो के तौर पर अपना नाम लिख देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर इस टेक्स्ट को और मैं छोटा करना चाहूँगा 5, और टेक्स्ट कैपिटल में हो जाए यानी अपर केस में तो चलेगा। ठीक है, देखिए साइज़ में मुझे और छोटा कर लेना चाहिए, 6 का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए ये मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ टेक्स्ट सेंटर लिख देता हूँ। देखिए तो ये नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे नीचे एक बटन चाहिए एडिट प्रोफाइल के लिए, या फिर मुझे और भी चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। तो इस सेक्शन में मैं इस तरीके से काम करूँगा, और बीच में बचा आपका 9 का सेक्शन। 9 का सेक्शन एक्चुअल में वो फीड वॉल हो जाएगा, जैसे फीड आपका इस्तेमाल होता है फेसबुक में, वैसे ही मैं यहाँ पे कार्ड बॉडी, और इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म के अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में डालता हूँ फॉर्म कंट्रोल इस तरीके से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेस होल्डर की मदद से राइट समथिंग हियर। तो ये फेसबुक की तरह ही हो गया, जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हो। देखो आप, तो ये बड़ा अजीब सा साइज हो गया, 9.6 ना हो गया। ये देखिए काफ़ी हाइट ज़्यादा हो गया है, मैं हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, रो से कम हो जाएगा 5.6। ठीक है, और जो बॉर्डर है, जो बॉडी है इसका कार्ड का, उसका कोई मायने नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको हटा देता हूँ और यहाँ पे उसका बॉडी लगा देता हूँ, कार्ड बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया कार्ड बॉडी का सेक्शन जिसमें मुझे लगाने हैं बटन। आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म पोस्ट करने के लिए हो गया। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कार्ड बॉडी का सेक्शन है, इसमें मैं इनपुट टाइप फाइल को यूज़ करता हूँ ताकि हम इमेज अपलोड करने के लिए जगह बना सकें, और इसी तरीके से इनपुट टाइप सबमिट भी मुझे चाहिए। इसका क्लास होगा फॉर्म डैश बी टी एन डैश प्राइमरी SM साइज दे देता हूँ मैं, और फ्लॉट लगा देता हूँ ताकि उस साइड राइट साइड में मेंशन हो। तो देखिए ये राइट साइड में मेंशन हो गया। तो सबमिट बटन काफ़ी अट्रैक्टिव, और ये चूज़ फाइल जो कि आपकी इमेज अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सारा हो गया।
अब नीचे क्या होगा, नीचे इसका पोस्टर दिखेगा जैसे फेसबुक में दिखता है, और ये जो सेक्शन इस तरीके का, इस साइड का जो एरिया है उस साइड में मुझे, मेरे को मिलना चाहिए जो बंदा इसमें अकाउंट बनाएगा उसका पूरा डिटेल। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है जो आप समझ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंक्लूड फोल्डर में एक फाइल बना लेना है जो इसका नाम रखेगा नेव डॉट पी एच। ये जो प्रोफाइल के पेज में है, ये जो नेव बार है ये मुझे हर जगह जरूरत पड़ेगा, तो मैं बार बार नहीं लिखने वाला। इसको कोड को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मैं पी एच पी कोड का इस्तेमाल कर लूँगा इंक्लूड करने के लिए, नेव डॉट पी एच पी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो नेव डॉट पी एच पी मैंने डाल दिया और ये देखिए ये आउटपुट में कोई भी अंतर, अच्छा अंतर आ गया। तो इसको मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगा, नेव डॉट पी एच पी, अच्छा सॉरी, इंक्लूड नाम का फोल्डर के अंदर ये बताना भूल गया। तो देखिए ये जितना मैंने अभी काम किया है ये सिर्फ डिज़ाइन हुआ है जो कि एक फेसबुक जैसा सोशल मीडिया वेबसाइट का है। अब मैं इस पे आपको बता रहा हूँ कि इसके और भी मैंने कई काम करने हैं, जैसे लॉग आउट का बटन, प्रोफाइल चेंज पासवर्ड वगैरह वगैरह, ये सभी मुझे ऐड करने हैं इसमें। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको छोटा सा बेसिक सा डिज़ाइन बताया जो कि इसका पार्ट वन है। मैं पार्ट टू कल इसमें अपलोड करूँगा और आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है। तो अभी मैं फिलहाल जितना भी मैंने काम किया इसको गिटहब पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो गिटहब पे ऐड करना बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट पुश डैश यू और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे ओरिजिन मास्टर। यहाँ पे लिख रहा है ब्रांच मास्टर सेट ट्रैक फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे क्या हो गया, ओ सॉरी, मैंने अभी जितना भी नया फाइल किया उसको मुझे मॉडिफाई देखना चाहिए था, हर किस अप टू डेट तो दिखा ही रहा, मैंने ऐड किया था कि नहीं किया था मैं ये भूल गया। प्रोफाइल इसमें देखिए इंक्लूड फोल्डर नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट। तो मुझे ऐड करने के लिखना पड़ेगा गिट ऐड, अब मैं सभी फाइल को ऐड करूँगा। तो जो भी अब मैं स्टेटस पे देख सकता हूँ, गिट स्टेटस मैंने क्या नया दिखा, तो मॉडिफाई किया गया प्रोफाइल डॉट पी एच पी और नेव में मैंने नया फाइल बनाया है, ये दोनों बता रहा मुझे। अब मैं इसको कमिट करूँगा, कमिट माइनस एम, और ये मैं अभी भी मैसेज में फर्स्ट कमिट ही लिखूँगा इस तरीके से, ये कमिटमेंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें अब मैं पुश करूँगा तो ये पुश हो जाएगा। ये देखिए फाइल अपलोड हो रहा है और ये फाइल अपलोड हो गया है। अब मैं ऑनलाइन चेक करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखेगा एक नया फोल्डर इंक्लूड। तो मैं ये सब डिटेल में बता रहा हूँ, सी डब्ल्यूस है क्या, एडिट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, दिस इज सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक लाइक सिमिलर फेसबुक लाइक फेसबुक ट्विटर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ट्रीज में अभी मैं वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है, मैं सेव कर रहा हूँ इसको और मैं यहाँ पे रीड बटन को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो लीजिए ये बाद में मैं लिखूँगा, अभी फिलहाल ये कमिट कर देते हैं। तो आइए मेरे प्रोफाइल पे जो कि है आपको CW/, ये URL आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक अभी YouTube पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे आकर ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कमांड्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।